हेलो फ्रेंड्स, हम लोग थेल्स परमे पे जो आधारित है एक्सरसाइज 6.2 कर रहे थे। हम लोगों ने दो परमे पढ़ा, एक थेल्स परमे और एक थेल्स परमे का विलोम। तो उस पर हम लोगों ने दो क्वेश्चन कर लिया था। एक क्वेश्चन ने लिखा आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन करने से पहले मैं थेल्स परमे को दोबारा एक मिनट में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इसको आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहा जाता है। ये क्या है कि ये कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर किसी एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए, और ये इसको डी पे कट करे, इसको ई नाम दे दिया, तो अगर डी समांतर बी सी है, यानी जो डी आपने जो खींचा है ये बी सी के समांतर है, तो ये जो दोनों भुजाओं को ये कट करती है, इनका अनुपात क्या होगा, विभाजित करने का अनुपात सेम होगा, यानी ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई अपान ई सी ये होगा। यानी अगर कहीं पे ये आपको मिल गया तो इसका यूज़ कर लेंगे, यही थेल्स परमेय है। अब इसको थोड़ा इधर उधर करके भी लिखा रहेगा, उसमें आप कन्फ्यूजन मत होइए कि ए ही इधर आ गया, डी भी उधर आ गया। तो ये है थेल्स परमेय, और इसका विलोम क्या है, ये परमेय 6.1 है आपका, कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाती है तो वो दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी अगर किसी त्रिभुज में डी समांतर ये रेखा और ये रेखा समांतर है, तो ये जो रेशियो होगा ये बराबर होगा। और 6.2 परमेय क्या है, इसी का विलोम है। ये क्या कहता है, किसी ट्रायंगल ए बी सी में कोई लाइन डी है, इस हिसाब से है कि ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई अपान ई सी ये है। मतलब कि कोई लाइन डी है जो इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई अपान ई सी है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि डी समांतर बी सी ये होगा, परमेय 6.2। तो ये थेल्स परमेय और थेल्स परमेय का ये क्या है, विलोम है। इसको 6.1 परमेय दिया है आपकी बुक में, इसको 6.2। तो एक बार फिर से देखते हैं कि किसी ट्रायंगल ए बी सी में अगर किसी एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाती है तो जो दोनों भुजाओं को विभाजित करती है उनका अनुपात क्या होता है, समान होता है। यानी अगर डी समांतर बी सी है, यानी आपको बता दिया गया कि डी और बी सी समांतर है, तो क्या यूज करेंगे आप, ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई अपान ई सी, इसका यूज कर लेंगे आप। और यहाँ पे क्या है कि अगर कोई लाइन डी दोनों भुजाओं को कट करती है तो जो उनके विभाजित करने का अनुपात इस प्रकार है कि ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई अपान ई सी ये है, तो ये निश्चित रूप से डी समांतर बी सी होगा, आप इसका यूज कर लेंगे। तो ये आपका परमेय 6.1 और 6.2 है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। परमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। क्या कह रहे हैं, ये परमेय 6.2 का प्रयोग करना है आपको। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं, यानी क्या होगा आपका, एक त्रिभुज होगा, मान लेते हैं क्या हमारे पास एक त्रिभुज एबीसी है, एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं, इसका क्या मान लेते हैं कि ये मध्य बिंदु है, इसको ऐसे ऐसे दिखा देते हैं, इसका मतलब कि ये लेंथ इक्वल है, और फिर इसका मध्य बिंदु कुछ होगा, तो हम लोग ये मान लेते हैं ये इक्वल है, कि मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, इसका नाम दे देते हैं डी, इसका नाम दे देते हैं ई, तीसरी भुजा के समांतर होती है। आपको सिद्ध करना है कि ये जो डी है ये बी सी के समांतर होगा, यानी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो आप सबसे पहले लिखते हैं कि आपको क्या दिया है, आपको है त्रिभुज ए बी सी
जिसमें डी तथा ई डी तथा ई क्रमशः डी किसका मध्य बिंदु है ए बी का, ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु हैं। ओके, अब हमको क्या सिद्ध करना है, ये आपको क्या है दिया है, गिवेन है, ये आपको ये पता है, उन्होंने पहले से कह दिया है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है डी समांतर बी सी, और प्रमेय 6.2 का प्रयोग करना है, तो उसका प्रयोग हम लोग कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि क्या है डी, डी ए बी का मध्य बिंदु है, क्या लिखेंगे डी ए बी का मध्य बिंदु है, तो इसलिए जो डी अगर ये मध्य बिंदु है तो जो ये लेंथ होगा ए डी वही लेंथ क्या होगा डी बी, इसलिए ए डी बराबर डी बी, ये हो गया। ई ए सी का मध्य बिंदु है, ई ए सी का मध्य बिंदु है, ई ए सी का मध्य बिंदु है, तो ये जो लेंथ ए ई होगा वही लेंथ ई सी होगा, तो ए ई बराबर ई सी। अभी तक हम लोगों ने कुछ नहीं किया, जो गिवन है बस वही देख रहे हैं कि ट्रायंगल एबीसी में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को ये मिला दिया हमने, और ये भुजा डी ए बी का मध्य बिंदु है, ई ए सी का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का मतलब क्या होगा कि ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगा, ये कोई रेखाखंड आपका ए बी है, इस पे कोई बिंदु ओ है, अगर ये उसका मध्य बिंदु है तो ये लेंथ और ये लेंथ क्या होगा इक्वल होगा, ये लेंथ आपका और ये लेंथ इक्वल होगा, और इस लेंथ को आप क्या कहेंगे ए ओ, और उस लेंथ को आप क्या कहेंगे ओ बी, तो यही चीज़ हम लोग यूज कर रहे हैं। हमको सिद्ध करना है कि डी समांतर बी सी, हम लोग यहां से ए डी अपान डी बी लेते हैं, ए डी अपान डी बी, हमने एक रेशियो लिया ए डी अपान डी बी, तो हमको क्या पता है कि ए डी इक्वल टू क्या है डी बी है, हमको ये पता है कि ए डी इक्वल टू डी बी है, क्लियर, कि जो लेंथ ए डी है वही लेंथ डी बी है, तो रेशियो ए डी अपान डी बी में ए डी बराबर डी बी रखने पर क्या हो जाएगा ए डी अपान डी बी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहेंगे ए डी अपान डी बी की जगह ए डी कर दिया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई वन, यानी ए डी अपान डी बी की वैल्यू क्या आ गई वन, ए डी अपान डी बी इक्वल टू वन आपका पता चल गया। फिर हम लोग ए ई अपान ई सी देखते हैं, ए ई अपान ई सी तो क्या होगा, क्योंकि ए ई बराबर क्या है आपका ई सी है, क्यों नहीं, क्योंकि ई मध्य बिंदु है तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, तो इसमें ए ई उसमें रख दीजिए आप, ए ई अपान ए ई हो गया, ये कैंसिल होके क्या हो गया वन हो गया, यानी ए ई अपान ई सी भी क्या आ गया वन आ गया, ये दोनों वन के इक्वल है, यानी जो रेशियो ए डी अपान डी बी का है वही रेशियो ए ई अपान ई सी का है, ए डी अपान डी बी का रेशियो क्या है वन है, ए ई अपान ई सी का रेशियो क्या है वन है, तो हम कह सकते हैं कि जो ए डी अपान डी बी इक्वल टू, हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई अपान ई सी,
तो अब देखिए किसी भी त्रिभुज में अगर जो रेखाखंड दो भुजाओं को विभाजित कर रही है अगर उनका अनुपात समान है तो ये रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होती है। प्रमेय 6.2 कहता है कि अगर ट्रायंगल में AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC तो DE समांतर BC। ये हम लोग क्यों कह पाए DE समांतर BC, ये प्रमेय 6.2 यही कहता है। तो हम लोग अपना प्रूव कर लिए कि DE समांतर BC यानी मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो ये DE है ये BC के क्या होगी, समांतर होगी। तो DE समांतर BC, क्लियर। तो प्रमेय 6.1 थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम दोनों को एक बार फिर से करते हैं कि अगर त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखाखंड खींची जाए तो ये दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये प्रमेय 6.1 आपका बताता है और प्रमेय 6.2 क्या कहता है कि अगर अनुपात समान है यानी AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC है तो DE समांतर BC होगा। तो ये कह रहे थे कि त्रिभुज एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, तो हम लोगों ने क्या किया एक त्रिभुज ABC ले लिया, दो किसी दो भुजाओं के मध्य बिंदु, तो हमने मान लिया कि इस भुजा जो है AB का मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु E है। अब इनको क्या किया दोनों को मिला दिया तो त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा हो गई तीसरी भुजा के समांतर होगी। यानी हमको सिद्ध करना है कि DE समांतर BC और हमको पता क्या है कि D जो है AB का मध्य बिंदु है और AE AC का मध्य बिंदु है तो ये लेंथ AD बराबर DB हो जाएगा और AE बराबर EC हो जाएगा। ये हम लोगों ने लिख दिया कि AD बराबर DB AE बराबर EC। अब हम लोग ये रेशियो देखते हैं AD अपान DB को लेते हैं, AD अपान DB की वैल्यू क्या होगी 1 होगी क्योंकि जो AD लेंथ है वही DB है तो AD इक्वल टू DB या DB इक्वल टू AD लिख दीजिए तो ये कैंसिल होके 1 आएगा। AD बराबर DB रखने पर AD अपान DB AD अपान AD इक्वल टू 1। फिर ये रेशियो लेते हैं AE अपान EC, AE बराबर EC है क्योंकि जो ये लेंथ है वही लेंथ यही है तो AE अपान EC में आप AE के जगह EC की जगह AE रख दीजिए तो ये भी रेशियो क्या आ गया 1 आ गया। अब हम देखते हैं कि AD अपान DB जो रेशियो है वो भी 1 है और ये रेशियो भी 1 है, आप कैसे ये कह सकते हैं ये 1/1 ऐसे कह सकते हैं 1:1 एक लिखा है या 10 लिखा है तो 10/1 लिखने में कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो इसको भी लिख लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क मतलब ये थोड़ा दिखाने के लिए कि ये दो क्वांटिटी का रेशियो है ना तो ये दोनों ऊपर नीचे दोनों होना चाहिए इस हिसाब से दिखने के लिए आपको। तो AD अपान DB का जो रेशियो है वही AE अपान EC का रेशियो है यानी AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC, ये हम लोग कह ले गए यानी ट्रायंगल ABC में AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC यानी ये जो DE है ये दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो हमारा प्रमेय 6.2 क्या कहता है कि अगर कोई रेखाखंड दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो ये तीसरी के समांतर होगी तो DE समांतर BC होगा प्रमेय 6.2 से। तो ये DE क्या है मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है तो ये समांतर हो गया आपका, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो इसमें बहुत इजी रहता है, आप एक दो क्वेश्चन अच्छे से अगर समझ के कर ले गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती आपको। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।